हेलो फ्रेंड, टेक्निकल इंतज़ार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक हम राउंड मिरर बनाने वाले हैं, डिस्टेंसिंग मिरर, यानी कि जिसके आगे खड़े होंगे लाइट अपने आप चालू होगी। तो मैंने इसका एक पार्ट वन बनाया था, वो आपने अगर जो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये उसी वीडियो का पार्ट टू हम बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये मेन लीड लगाएंगे इसमें, जैसे ये ऊपर का भाग है अपना, हमें यहाँ पर कनेक्शन देना है। हमें यहाँ पर ये होल कर लेना है, ये मैंने होल कर लिया। फिर इसमें हमें एक वायर, ये वाली जो मेन लीड है हमारी, ये वायर इसमें लगभग इतनी लगानी है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन आएगा तो यहाँ पर ज्वाइंट या पावर सप्लाई नहीं ले सकते, तो इसको अंदर लेना, इतना अंदर लेना है, ठीक है, इतना अंदर ले लेते हैं। फिर हमें इसमें क्या करना है, ये वाइट टेप आता है ताकि डिज़ाइन में से ये ब्लैक कलर की वायर दिखाई ना दे, इसलिए हमें यहाँ पर ये वाइट टेप लगा देना है। ये देख सकते हैं, ये वाइट टेप लग गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये फेविक्विक लेनी है, और इस फेविक्विक से हमें ये जो वायर थी अपनी, वहाँ पर एक वीटी लगानी है इसे, और ये इससे चिपका देनी है यहाँ पर। ये 30 सेकंड में ही चिपक जाएगी, परफेक्ट चिपक जाती है 30 सेकंड में। एलईडी स्ट्रिप चिपकानी है ये, तो एलईडी स्ट्रिप पे टेप लगा हुआ रहता है पीछे, तो हमें इसको टेप को पहले छुटाना पड़ेगा। ये टेप के ऊपर इसके बारीक पिन्नी जैसी रहती है पतला स्टिकर, ये छुटाना है और इसको चिपकाना है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर जो यहाँ पर ही लेंगे, हम दोनों एक साथ भी ले सकते हैं, या यहाँ से या वहाँ से कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ताकि यहाँ पर परछाई आती है ना इसकी, ये परछाई आती है जो वायर लगी रहती है, यहाँ से लाइट पड़ती है तो परछाई वो डिज़ाइन में दिखती है, तो ज़्यादा हम यहाँ पर मोटा नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि सेंटर से यहाँ से ले लेते हैं इसको। यहाँ से अगर जो हम इसको लगाएंगे ऐसे, तो ये वायर भी हमारा मोटा हो जाता है काफ़ी, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से काट देते हैं, बाद में हम सोल्डरिंग कर लेंगे। ये काट देते हैं इसको, बारीक वायर लगाना है हमें, पतला। ये देख सकते हैं आप, ये हमें वायर जो एलईडी स्ट्रिप है, ये चारों साइड चिपकानी है इस तरह से हाथ से। ज़्यादा नीचे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये मेन लीड निकली हुई है, तो उसमें नड़ेगा वो भी, तो इसलिए यहाँ पर ले लेते हैं, ताकि मेन लीड भी निकली रहेगी। और ऊपर भी नहीं लेना, कभी कभी ऐसा होता है मिरर में भी लाइट दिखने लगती, कोई मिरर ऐसा होता है बहुत सारी कंपनी के, उसका कलाई जो है पतली रहती है, तो हाथ से लाइट दिखने लगती है। देखिए, ये लीड नीचे निकल रही है, इसके ऊपर हमारी स्ट्रिप चली गई, ये हमें ध्यान रखना है, वरना फिर बैंड करनी पड़ेगी, बैंड हो जाएगी। ये हमारी स्ट्रिप जो है यहाँ तक पूरी हो चुकी है। अब आप इसमें देखिए, ये तीन तीन एलईडी पे कट रहता है, कैंची का निशान दिया हुआ रहता है, हम कहीं से भी काट सकते हैं इसको। तो ये हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है, तो हम इसको यहाँ से इसको काट लेते हैं। ये काटी से हमने काट ली, और इसके ऊपर यहाँ से लगा दी। लाइट हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें पावर सप्लाई लगानी है। पावर सप्लाई में हमें सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें यहाँ पर इनपुट, ये जो 220 वोल्ट आते हैं मेन लीड में, वो यहाँ पर देने, और यहाँ पर ये 12 वोल्ट लिखा है, ये देख सकते हैं,
ये 12 वोल्ट लिखा है, यहाँ से आउटपुट मिलेगी हमें डीसी 12 वोल्ट 4 एम्पियर मिलेंगे इस वाले सॉकेट से, और ये वाले सॉकेट से एसी इनपुट देनी है। तो चलो सोल्डरिंग कर देते हैं इसकी भी। सोल्डरिंग करने के लिए वायर छीलने के बाद इस पर हमें पेस्ट लगा लेनी चाहिए। ये हमारी एसी की सप्लाई यहाँ पर चली गई, इसको यहाँ पर लगाना है इस तरह से, तो आउटपुट हमारी ये सॉकेट से मिलेगी। तो इधर ऐसे भी लगा सकती है, तो इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों अब बारी आती है डीसी आउटपुट की एसएमपीएस से, तो डीसी आउटपुट यहाँ पर मिलेगी। तो उसके लिए हमें दो, एक ब्लैक और रेड वायर लेना है ताकि पहचान रहे, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला निगेटिव रखना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो माइनस वाला यानी कि जीएनडी वाला है, ये जीएनडी वाले में ब्लैक वायर लगाएंगे इसमें। ये ब्लैक लग गया, और ये जो 12 वोल्ट लिखा है यहाँ पर रेड वायर लगा देंगे, ये देख सकते हैं। अब हमारा इसका काम एसएमपीएस का कंप्लीट हो गया है, और ये वायर लगभग हमें यहाँ सेंसर में देना है, तो इसको इतना काट देते हैं यहाँ से पावर सप्लाई का। ये वायर हम पर, ये निगेटिव का माइनस का ब्लैक और पॉजिटिव का रेड लगा दिया। अब इसको चिपकाने के लिए हमें ये ग्लू गन से हमें यहाँ पर ये चिपकाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं, और ये ग्लू लगाने के बाद इसको यहाँ पर रख देते हैं, बस डायरेक्ट चिपक जाएगी इस पर। थोड़ा और मजबूत करने के लिए थोड़ा थोड़ा ग्लू यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पूरी देखने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 3 ज़रूर देखें, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।